मैं रुखसार महाराजगंज में रहती हूँ, किराए के मकान में। वहाँ के मकान मालिक के भतीजे ने जबरन मेरे रूम में घुस करके मेरे साथ जबरदस्ती की और वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर मुझे धमकी दी कि अगर तुम किसी को कुछ भी कहोगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, तेरे पति तुमको देख लेंगे, जान जाएंगे तो छोड़ देंगे। फिर मैं डर के मारे किसी को कुछ भी नहीं कही और मुझे ऐसे ही धमकी देता रहा, परेशान करता रहा। फिर मैं उससे तन आ गई तो मैं उसका रूम ही छोड़ दी, दूसरे जगह चली गई। दूसरे जगह जाकर मैं रहने लगी, फिर भी वो मुझे फोन कर करके परेशान करता रहा, तंग करता रहा। एक दिन जबरदस्ती वहां पे भी आ गया, मुझे परेशान किया, मेरे साथ जबरदस्ती करने की वहां पे भी कोशिश की। मैं किसी तरह से उसका मोबाइल ले ली, कोतवाली पहुंची, दरखास्त और मोबाइल दोनों कोतवाल साहब को दी। कोतवाल साहब ने उसको बुलवाया और उसको बंद कर दिया और कहा कि आप जाइए घर और मैं इसको जेल भेज दूंगा, मुकदमा कर दूंगा इसके ऊपर। मैं वापस घर चली गई। फिर रामधन मौर्या ने उसको पैसा लेकर के छोड़ दिया। उसके दूसरे दिन फिर से अनीश वर्मा मेरे घर आए, मेरे रूम पर, और मुझे धमकी देने लगे कि साली तुम जाकर के मेरे खिलाफ कोतवाली में दरखास्त दे दी और सबको यह बात बता दी, मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे बच्चे को भी उठा ले जाऊंगा। मैं इसकी धमकी सुनकर परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई, मैं तन आ गई उससे। तो मैं एसपी साहब के वहां मैं गई दरखास्त लेकर के, एसपी साहब मुझे नहीं मिले तो मैं सीओ साहब से मिली। सीओ साहब ने कहा कि कार्रवाई इस पे की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और मैं इस तरह से कोतवाली के और एसपी ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते मैं परेशान हो गई हूँ और वो अभी तक मुझे ऐसे ही परेशान कर रहा है अनीश वर्मा, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरे बच्चों को उठवाने की धमकी दे रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मैं मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहती हूँ कि इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मेरे बच्चों को भी वो कभी भी जान से मार सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं कभी भी सुसाइड कर सकती हूँ, मर सकती हूँ, इसके जिम्मेदार रामधन मौर्या हैं, इसके जिम्मेदार रामधन मौर्या हैं कि उन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं कितना बर्दाश्त करूं कि मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया, मुझे तलाक दे दिया, मैं अपने चार बच्चों को लेकर के मैं कहां जाऊं, कहां रहूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूं और मैं कभी भी आत्महत्या कर सकती हूं क्योंकि मुझे अभी भी वो परेशान कर रहा है। मैं चाहती हूं मुख्यमंत्री जी, योगी जी और मीडिया तक इस बात को पहुंचाना चाहती हूँ, मीडिया वाले जितने भी मेरे भाई हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे वो इंसाफ दिलवाएं। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और इसके जिम्मेदार होंगे रामधन मौर्या।